हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आज मैंने बनाया है स्नैक, और ये जो स्नैक है रेगुलरली मैं शाम के वक्त खाता हूँ। और ये जो लड्डू है ना, इसे मैंने नाम दिया है खजूर एंड ड्राईफ्रूट के लड्डू। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप अपने स्नैक में ले सकते हो, और ये जो लड्डू है ना वो बहुत ही हेल्दी भी रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये लड्डू बनते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 5 इंग्रेडिएंट लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये जो अखरोट है मेरे पास रेडीमेड है, छिले हुए अखरोट, ये 3 ले लूँगा मैं। तो 3 मतलब ये 6 हो गए इसके, ओके। एंड यहाँ पे ये 10 बादाम लिए हैं मैंने, आलमंड, एंड ये काजू लिए हैं मैंने, ये भी अराउंड 10 है। एंड ये जो है डेट है खजूर, तो ये मैंने 5 डेट्स ली है। एंड ये है पिस्ता, तो ये छिले हुए नहीं है, अभी मैं छीलूँगा इसे। तो ये भी मतलब मैं 10-11 कुछ लिए हैं मैंने, मतलब मैं 10 ये लेना है, 10 ये लेना है, 10 ये लेना है। एंड 3 अखरोट लेना है और 5 हमें खजूर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पिस्ता तो रेडी हो चुके हैं, पिस्ता मैंने छील लिए हैं अच्छे से। अभी ये जो डेट्स है ना, इसमें से मुझे ये जो डेट्स के बीच में ये जो उसका बीज होता है उसे निकाल देना है। अगर यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रेडी हो चुके हैं, एंड खजूर भी रेडी हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसे सबसे पहले मैं रोस्ट कर लूँगा। और इसे रोस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना है घी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पैन ले लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल दूँगा घी। अराउंड 1 स्पून मैं यहाँ पे घी ऐड कर रहा हूँ इसमें। मेरी स्पून बड़ी है इसलिए मैं आधा स्पून यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगा और अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। ये जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करने के लिए रखे हैं ना, उसे थोड़ी थोड़ी देर आप इसे हिलाते रहो, ताकि इससे क्या होगा कि ये जलेंगे नहीं, और अगर जल जाएंगे तो फिर इसमें से जो भी मतलब कैलोरीज है वो भी जल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसे बहुत बर्न नहीं होने देना है। ओके, तो हमारा ये ड्राई फ्रूट रेडी हो चुके हैं। अभी खजूर की बारी है, तो खजूर भी इसमें इस तरह से रख देना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है। देखो ये गर्म हो जाएगी ना, उसके बाद इस तरह से हो जाएगी, ये नरम होती है। मतलब मैं इसे स्मैश भी करते रहना है, जैसे जैसे गर्म होगी ना वो और भी ज़्यादा नरम होगी, और इस तरह से नरम होने के बाद हम इसे लड्डू बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से पहले अच्छे से गर्म कर लेना है घी के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई फ्रूट है ना इसे अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो ये हमारा मावा रेडी हो चुका है इस तरह से। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ना खजूर के साथ मिक्स कर लूँगा अच्छे से।